दौर में निश्चित रूप से बहुत ज्यादा परिवर्तन दिख रहा है। नोटबंदी को लेकर बहुत बात हुई है, सुंदर सिंह ठाकुर जी ने बहुत बढ़िया तरीके से बात की, लेकिन बड़े स्तर पर जो घोटाले हो रहे उसमें कोई बात नहीं। 2000 में बड़ा फोन ने 20,000 करोड़ का घोटाला किया और वो कहता कि कानून में जो कमियां रही है, जो स्पष्ट नहीं रहा है, उसके चलते ही सब हुआ है, उस पर आज भी केस चल रहा है। इस पूरे काले धन को लेकर उसका कहीं जिक्र नहीं होता है। अभी 21 नवंबर को कैग की रिपोर्ट संसद में है कि रिलायंस ने रिलायंस गुजरात में 6500 करोड़ का घोटाला किया है, लेकिन उसका कहीं मीडिया में जिस तरीके से आना चाहिए था, जिस तरीके से बात होनी चाहिए थी, कहीं जिक्र नहीं है। कहीं 1 करोड़ पकड़ा जाता है तो बड़ा आता है साहब 1 करोड़ पकड़ा गया, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इस तरीके से आप देखेंगे मीडिया का चरित्र अगर जनपक्षी कहीं दिखता है, इस पर लगातार सवाल। आज जिस तरीके से कॉर्पोरेट सेक्टर और अब तो बहुत स्पष्ट रूप से बहुत नंगे तरीके से मीडिया हमारे सामने आ गया है, खाते लोकल मीडिया, जब पूरा नेटवर्क 18 मुकेश अंबानी ने खरीदा है, और अब कह सकते हैं इस देश में मीडिया का भविष्य क्या होगा, मुझे नहीं मालूम, आप इस अलग इसकी बात है। बार बार बात आती है, मीडिया कहता है साहब जब भी किसी सार्वजनिक परिवहनों की बात आती है, चाहे संचार का हो, चाहे रेलों का हो या जहाजों का हो, तो बड़ा हल्ला होता, सब बहुत घाटे में जा रहा, घाटे में जा रहा। मेरा बहुत स्पष्ट मानना है वो सार्वजनिक अगर है तो जनता की बहुमती है, अगर वो घाटा उठा रहा है उसकी जिम्मेदारी घाटा उठाने की है, वो घाटा उठाने के लिए वो कोई जो है इसका मुकेश अंबानी कंपनी नहीं है, वो कोई किसी इसके टाटा की कंपनी नहीं है जो फायदा में जाए, लेकिन अब इन्होंने टाटा के ट्रेड में, मुकेश अंबानी के ट्रेड में, अडानी के ट्रेड में पूरा सा फायदा उठाने की पूरी बात होगी, जो कि पूरा पूरा हम कहते हैं ये तो देश कॉर्पोरेट जैसा हो रहा है। अच्छा है कि इसका प्रधानमंत्री का नाम बदल के सीईओ इसको बना दीजिए और मुकेश अंबानी इस देश का सबसे अच्छा सीईओ हो सकता है। और नोटबंदी पर जिस तरीके से बात आ रही है, हम आज भी सवाल करते हैं कि एक भी मुहल्ले का पैसे वाला आदमी लाइन पर खड़ा नहीं, पता नहीं, मैंने तो नहीं देखा, हम लगातार उसको देख रहे थे, और इसलिए लाइन पर खड़ा नहीं है क्योंकि जो ब्रांच मैनेजर होता है उस पर दबाव होता है कि उसके हर साल अपना उसको टारगेट देना होता है, और उन्हीं पैसे वालों के दरवाजे में दिल्ली में जाकर के प्रणाम करके पैसा अपना अकाउंट बढ़ाता है। और जब नोटबंदी की बात हुई सबसे पहले उन्होंने पैसा वाइप किया, नहीं तो पेट्रोल पंप के जमा में पैसा ठीक करने का ठिकाने लगाने के उनके पास पर्याप्त साधन थे, और गरीब आदमी लाइन पे खड़ा था, और 100 से ज्यादा लोग उनके हत्या जिसके जिक्र हो गए। सर्जिकल स्ट्राइक पे मीडिया की जो भूमिका रही बहुत अद्भुत थी, आप भी जानते होंगे, हम भी देख रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, ऐसा लगा कि इस देश ने पाकिस्तान की तो बस अब कली जो है कराची में पहुंचने वाली सेना, और इस्लामाबाद तो बिल्कुल साथ में आने वाला है, उस पर जो असर हुआ उसके बाद लगातार भारतीय सैनिक मर रहे हैं। इससे मुझे मालूम से पहले मैंने कभी अपनी जिंदगी में पढ़ने को मिला हूं, इतने हमले कभी नहीं हुए, इतनी बिल्डिंगें कभी नहीं जली, लेकिन वो बुरी मीडिया का महत्वपूर्ण इशू कभी नहीं बन पा रहा है, लगातार लोग मर रहे हैं। तो अब सवाल है किस निष्पक्षता की बात कर रहे हैं, तो और ऐसा भी नहीं, उसमें हमारे बहुत मित्र हैं, बहुत मित्र हैं जो लगातार बात कर रहे हैं, और लोकल स्तर पर हालात इतनी खराब हो गई है कि कोई भी व्यक्ति जो बहुत लिखा पढ़ा नहीं है, क्योंकि उनको फालतू का एक फ्री का कागज का घिसने वाला कोई व्यक्ति चाहिए, उसको वहां पर स्ट्रिंगर रख लिया है, उसे कहे थे तो अगर लिख दे सकता ठीक है, तो फोन पे मुझे बता दे, और उसका काम, और उसको 1,000 रुपए दे देंगे, 1,500 रुपए दे देंगे, उसका काम उस गाँव में बाग में मेला खा लिया, उसका महत्वपूर्ण समाचार कभी नहीं बनेगा, उसकी हालत हमारे रोजगार खत्म हो रहे हैं, उस महत्वपूर्ण समाचार कभी नहीं बनेगा, गांव खाली हो रहे महत्वपूर्ण समाचार कभी नहीं बनेगा, बलात्कार होने तो महत्वपूर्ण समाचार बनेगा, हत्या होने तो महत्वपूर्ण समाचार बनेगा, डकैती होने से महत्वपूर्ण समाचार बनेगा, लोगों की जिंदगी कैसे बर्बाद हुई है इस पर कभी महत्वपूर्ण समाचार नहीं बन पा रहा है। और साथ ही साथ हालात ये है कि अब वो उनके जिनके और काम उनको तरह लिया जाता है कि सुबह उठो सूचना दो कि आज का समाचार बनने वाला है, ये बड़ा अजीब है। अरे आज क्या घटना घटने वाली, क्या उस पत्रकार को सपना आएगा कि क्या होने वाला है, नहीं आज आपको बताना पड़ेगा कि आज आप क्या क्या देने वाले हैं, तो उसको पता नहीं होता, तो जो उसके मन में आता जो आस पास दिखता है पत्र सपने में दिखता बता देता है ये होने वाला है, वो जोड़ तोड़ करके बना देता है। ये हालात मीडिया की है, और आज हालात ये है कि पूर्ण रूप से बाजार के नियंत्रण में है, जो बाजार के पैसे पे चल रहा है, जो सरकार के पैसे पे चल रहा है, उसको हम कैसे निष्पक्ष मान सके, और जिसमें आम आदमी कहीं नहीं, गाँव का अंतिम व्यक्ति कहीं नहीं, गरीब कहीं नहीं है, मजदूर आंदोलन कहीं नहीं है, तमाम तरह के आंदोलन कहीं नहीं है, इस देश तो 90-2000 के बाद तो जन आंदोलन पूर्ण रूप से हासिल में चलेगा, वो तो कवरेज ही नहीं मिल पाती है, आप 1,000 रेल निकाल दीजिए, नहीं
कैथेड्रल कैप की फोटो है, फोटो सबसे अच्छी आ जाएगी। विराट कोहली ने क्या कहा बयान आपका प्रमुखता से छप जाएगा, अगर देहरादून शहर में 2000 रन दिल निकलेगी तो कोने में संक्षिप्त समाचार। तो ये हालात आज की मीडिया की है।